नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है मेरा गांव मेरा देश के यूपी एडिशन में। और आज हम बात करेंगे बुद्ध की धरती की, जी हां, कुशीनगर की। कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट, क्योंकि छठा चरण है जिसको लेकर चारों तरफ चुनावी जनसभाएं लगातार देखने के लिए मिल रही है। जोर आजमाइश हर किसी की तरफ से की जा रही है। तो पडरौना विधानसभा सीट जो है वो कुशीनगर में आती है और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जाती है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार पडरौना विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। तो ऐसे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं, जिसमें आप विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार और अन्य खबरों के साथ साथ जान सकेंगे कि यहाँ के विजेता उपविजेता, वोट शेयर और क्या क्या है। पडरौना विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में आती है। 2017 में पडरौना में कुल 44.44% वोट पड़े थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी के जावेद इकबाल को 40,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से हरा दिया था। पडरौना विधानसभा सीट कुशीनगर के अंतर्गत आती है। संसदीय क्षेत्र से सांसद है विजय दुबे, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार। विधायक भी भाजपा के, सांसद भी भाजपा के, मुख्यमंत्री भी भाजपा के और प्रधानमंत्री तो पता ही है सभी को। तो ऐसे में पडरौना विधानसभा का इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर कांटे की टक्कर इस बार देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और सपा की साइकिल पर वो सवार हो गए हैं। तो प्रदेश का कुशीनगर जिला महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की स्थली है। अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाने वाले बुद्ध की ये धरती फिर सुर्खियों में है, क्योंकि एक बार फिर से एक वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन्होंने हमला कर दिया। उनकी बेटी खुद ही आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि लगातार ऐसे हमले देखे जा रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट, जहां के बनते बिगड़ते चुनावी समीकरण चर्चा में है। दलबल नेताओं ने पडरौना का समीकरण पूरी तरह से बदल दिया है। पडरौना से लगातार 3 बार जीतने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक ही अपनी सीट बदल ली। तो वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले आरपीएन सिंह भी पडरौना से 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पडरौना कितनी महत्वपूर्ण है। इस सीट के दोनों विधायकों ने पार्टी बदलकर सीट का समीकरण पूरी तरह से बदल दिया है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर हाई प्रोफाइल नेताओं की टक्कर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी तक बीजेपी समाजवादी पार्टी ने पडरौना के लिए जो ऐलान किए हैं, उससे ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, किसके बीच कांटे की टक्कर है, किसके बीच नहीं है। पहले तस्वीरें देखिए, फिर हम देखेंगे कि पडरौना का कितना विकास हुआ है। ये तस्वीरें पडरौना की आप देख रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और यहाँ पर भीड़भाड़ वाला इलाका भी है, लेकिन सड़कों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सड़कें हाल ही में बनी हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो आज आपने तस्वीरें देख ली, अब हम आम जनता से आपको मिलवाने जा रहे हैं। रितेश पांडे, गौरव, भावेश और आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। सबसे पहले रितेश पांडे, पडरौना ऐसी सीट है जहाँ से जो समीकरण है वो पूरी तरह से बदलते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अहिंसा की ये धरती है, महात्मा बुद्ध की ये धरती है। तो पहले पडरौना को समझाइए, इसका इतिहास जरा हम समझना चाहते हैं, क्योंकि आप आम जनता है, बखूबी जानते होंगे पडरौना को। रितेश पांडे जी, पहले अनम्यूट करिए, तब आपकी आवाज मुझ तक आ पाएगी। रितेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, आवाज आपकी धीरे आ रही है। अब ठीक आ रही है आवाज? क्लियर नहीं आ रही है आपकी। चलिए ठीक है, मैं इस आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है, इस समस्या का समाधान जल्द ही हम निकालेंगे। फिलहाल हम पडरौना को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पडरौना आखिर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं चाहूंगी कि पीसीआर की टीम जल्दी से इस
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले, क्योंकि बहुत देर से आम जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश भी हम करेंगे। तो सीट बदलकर फाजिलनगर पहुंच गए स्वामी प्रसाद मौर्य। यहां से मौजूदा विधायक और योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ हफ्ते पहले तक बीजेपी में थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का दामन पहले ही थाम चुके हैं। बदली पार्टी और बदले हालात को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सीट भी बदल ली है। समाजवादी पार्टी ने इस बार उनको पडौरा की बजाय कुशीनगर की ही फाजिलनगर सीट से उतारने का ऐलान किया है। एक बार फिर मेरे जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश पांडे जी, मैं पडौरा को समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पडौरा में ऐतिहासिक चीज़ें तो हैं ही, इसके अलावा ये अहिंसा की धरती भी है, महात्मा बुद्ध की धरती है। इसके अलावा अगर चुनावों के समीकरण को समझने की हम कोशिश करें तो ये भी और महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, आपकी बात को समझा नहीं जा सकता है। ठीक है, इस टेक्निकल इश्यू को जल्द से जल्द हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए माफी भी चाहते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, छठे चरण में कुशीनगर में मतदान होना है और कुशीनगर की पडौरा विधानसभा, जिसको लेकर आज हम यूपी एडिशन में मेरा गांव मेरा देश के चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से इस सीट को समझने का एक बार फिर से प्रयास हम करते हैं। तो आरपीएन सिंह कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए, ऐसे में वो विधायक भी रह चुके हैं पडौरा से, 3 बार जीत हासिल कर चुके हैं, अब वो भाजपा का हिस्सा है। तो ऐसे में अब देखना है कि क्या कुछ यहाँ समीकरण बैठते हैं और किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता हुआ नजर आता है। तो पाला बदल पॉलिटिक्स का वोटर्स पर कितना असर होगा, जरा ये भी समझ लीजिए। सवाल ये है कि नेताओं के ताबड़तोड़ पाला बदल पॉलिटिक्स का यहाँ के वोटर पर क्या और कितना असर पड़ा है। मौर्य के सीट बदलने के बाद समाजवादी पार्टी पिछड़े वोटरों को कैसे साधेगी, क्या आरपीएन एक बार फिर अपनी पुरानी सीट पर जीत दर्ज कर पाएंगे, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने और जनता का मूड जानने के लिए लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम पडौरा पहुंच रही है और वहां से ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर पडौरा की जनता क्या चाहती है। तो इसकी शुरुआत बीजेपी नेता आरपीएन सिंह के महल से करते हैं, जो दरबार रोड चौराहे पर है। यहाँ लोगों का रुझान एक तरफा आरपीएन सिंह की तरफ दिखाई देता है। वहीं आरपीएन के इलाके का हाल जानने के लिए यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र या फिर बहुत ज़्यादा आबादी वाले कुशवाहा समाज से बातचीत करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में रहता है। तो साफ तौर पर ही कहा जा सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक थे, लेकिन अब उनका पाला बदल गया है। तो ऐसे में जनता की नज़रें भी बदल गई हैं। पिछड़े समुदाय के वोटरों के बीच भी मोदी योगी की जोड़ी के लिए ज़बरदस्त क्रेज दिखाई देता है। कमोबेश इन सीटों पर क्या समीकरण बैठते हैं, क्या जातीय समीकरण बैठते हैं, ये हमें देखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुशीनगर में अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले मुसहर जाति के वोटर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ भी ज़्यादातर लोग मोदी योगी सरकार की योजनाओं को गिनवाते नज़र आते हैं। तो वहीं स्कूल या फिर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं सही बताई जाती है। तो ऐसे में समझना होगा कि असर कितना होता है। दोनों ही पार्टी बदल चुके हैं, जो बड़े चेहरे थे 3-3 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में पार्टी बदलना क्या उनके हित में अच्छा होगा या बुरा, ये देखना होगा। तो भावेश और रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भावेश का मैं रुख करूंगी। भावेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। भावेश, पडौरा को पहले समझाइए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। भावेश, आवाज आ रही है मेरी? तो भावेश तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश हम लगातार कर रहे हैं आम जनता से जुड़ने की, लेकिन ये टेक्निकल समस्या जो है ये खत्म नहीं हो रही है, इसे सुलझाने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। चलिए, अगर आरपीएन सिंह के सीट को समझना होगा पडौरा को, तो ज़रा आपको समझा देते हैं। आरपीएन सिंह के परिवार की पारंपरिक सीट पडौरा बताई जाती है। पडौरा आरपीएन सिंह के परिवार की पारंपरिक सीट है। तो रितेश और आदित्य मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
तो टेक्निकल समस्या है, इस वजह से बार बार संपर्क साधने की कोशिश हम कर रहे हैं लेकिन नहीं संपर्क हो पा रहा है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि पडरौना जो सीट है वो पारंपरिक तौर पर आरपीएन सिंह के परिवार की है। 1969 में आरपीएन के पिता सीपीएन सिंह यहां से विधायक बने। बाद में 1996, 2002 और 2007 में आरपीएन सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीता था। 2009 में पडरौना से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद आरपीएन ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 2009 के उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के टिकट पर उतरे और आरपीएन की मां को हराकर पडरौना के विधायक बन गए। तो कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। रितेश, क्या आवाज आ पा रही है मेरी? क्या रितेश मेरे साथ जुड़े हैं? आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जी आवाज आ रही है आपकी। रितेश आपको आ रही है मेरी आवाज? जी। रितेश पडरौना को समझाइए, ये हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं लेकिन टेक्निकल समस्या है जिस वजह से आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है। पडरौना को पहले समझाइए क्या इसका इतिहास है, क्योंकि दो ऐसे महारथी हैं जिन्होंने पार्टी बदल ली और दोनों ही तीन तीन बार के विधायक रहे हैं। जी जरूर। वैसे अगर देखा जाए तो पडरौना विधानसभा में सर्वाधिक 8 बार कांग्रेस पार्टी के एमएलए चुन करके आए, 8 बार कांग्रेस पार्टी के एमएलए चुन करके आए। आरपीएन सिंह के पिता सीपीएन सिंह जी यहां से विधायक रहे हुए हैं। आरपीएन सिंह स्वयं वहां यहां से 3 बार के विधायक रहे हुए हैं, सांसद रहे हुए हैं। क्योंकि उस वक्त में कांग्रेस पार्टी की एक लहर हुआ करती थी और आरपीएन सिंह और सीपीएन सिंह का एक अच्छा प्रभाव रहा करता था जिले में। कांग्रेस पार्टी तो आम जनता पडरौना के कांग्रेस को पसंद करती थी या आरपीएन सिंह को पसंद करती थी? नहीं देखिए, आम जनता उस वक्त में कांग्रेस पार्टी को पसंद करती थी और साथ ही साथ आरपीएन सिंह की व्यक्तिगत छवि भी एक अच्छी थी, ईमानदार छवि के नेता हैं, तो पडरौना की जनता उन्हें भी पसंद करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब से प्रचंड लहर आना शुरू हुआ, उस लहर में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आरपीएन सिंह भी उस लहर में कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल। तो क्या अब तो भाजपा के साथ चले गए हैं? अब तो भाजपा के साथ चले गए हैं, क्या एक बार फिर से उनकी धाक पडरौना में जमेगी? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि उनके व्यक्तिगत जो उनकी छवि थी कांग्रेस पार्टी में उसका कोई लेना देना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का जो लहर चल रहा है उस लहर में इन्हें जितना वोट मिल जाए, जितना समर्थन मिल जाए लोगों का उतना मिल सकता है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आरपीएन सिंह का या फिर कांग्रेस पार्टी में जब तक होते उनका कद वो जो था वो संभवतः अब दिखाई नहीं देगा। ठीक है रितेश, देखिए अगर पडरौना को हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये अहिंसा की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है, परिनिर्वाण जो है महात्मा बुद्ध का यहाँ हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो पडरौना को समझते जितना जाएंगे उतना ही हम उलझते जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना नामुमकिन है। पडरौना की कुछ समस्याएं हैं, कुछ सड़कें हमने देखी हैं बहुत खस्ता हाल में हैं। देखिए 5 सालों में विधायक जी भी जो हैं भाजपा के रहे हैं, विधायक की गद्दी पर भी भाजपा, सांसद की गद्दी पर भी भाजपा, मुख्यमंत्री की गद्दी पर भी भाजपा। तो ऐसे में पडरौना का कितना बहुत कुछ विकास हुआ होगा या विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है? देखिए एक तो पडरौना का सौभाग्य रहा है कि पडरौना से इतने बड़े बड़े नेता आगे चल करके दिल्ली और लखनऊ में बैठे हैं, चाहे वो सीपीएन सिंह रहे हो या फिर आरपीएन सिंह रहे हो और अभी हाल फिलहाल में चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हैं। तो एक बड़े नेता जब जाकर के पडरौना जैसे शहर से दिल्ली और लखनऊ में बैठते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं भी काफी ज्यादा रहती है। बिल्कुल, सामान्य नेताओं के अपेक्षा में इन बड़े नेताओं से अपेक्षा काफी ज्यादा रहती है और उन अपेक्षाओं से स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल भी खरे नहीं उठ रहे हैं पडरौना के लिए। आपको जानकर के हैरानी होगी कि पडरौना में सरकारी बस स्टैंड का जो हाल है वो संभवतः पूरे प्रदेश में किसी बस स्टैंड का वैसा खस्ता हाल नहीं हुआ होगा जैसा खस्ता हाल यहाँ पे सरकारी बस स्टैंड का है। पडरौना से आपको जानकर के हैरानी होगी कि रेलवे लाइन बड़ी संघर्षों के बाद, आम जन के संघर्षों के बाद बड़ी लाइन का निर्माण हुआ यहाँ पे रेलवे में, लेकिन आज तक लंबी दूरी की कोई ट्रेनें नहीं चल रही हैं। सिर्फ एक लखनऊ के लिए ट्रेनें चलती हैं और गोरखपुर के लिए ट्रेन चलती हैं, बाकी लोकल के लिए ट्रेनें। ठीक है रितेश, आपका रुख करूंगी। गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? गौरव आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आपकी आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। गौरव ये बताइए, अभी रितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए पडरौना से, वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, यही वजह है कि पार्टी बदल ली?
सही बात है, रितेश जी का कहना एकदम सही है कि वो कहीं ना कहीं विधानसभा के मुद्दों को लेकर के काफी उपेक्षित किए विधानसभा के जो स्थानीय मुद्दे और इस वजह से जनता में काफी रोष था, जिस वजह से उनको लगा कि इस बार हमारी दाल यहाँ निकलने वाली है और उन्होंने पार्टी बदल दी। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं परजौना में? रोजगार मिल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, सड़कों का निर्माण हो गया है, स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है कुशीनगर। निश्चित तौर से जो है कि कुशीनगर में मान लीजिए एक बड़ा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर जनपद को मिला, जिससे यहाँ के आम जनता है आम जनता का जो है कि व्यापार में अच्छी वृद्धि होगी, यहाँ धन भी आएगा। सड़कों की रही बात तो आप अगर जो कुशीनगर विधानसभा में आएंगे और विधानसभा में तो आप देखेंगे कि जो भी खस्ता हाले सड़कें थी वो लगातार बन रही है, वो लगातार बन रही है, उन पर काम जारी है। अच्छा गौरव ये बताइए, आरपीएन सिंह का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना क्या क्या तय करता है कि परजौना में एक बार फिर से आरपीएन सिंह जीत रहे हैं? नहीं, आरपीएन सिंह चूंकि चुनाव नहीं लड़ना है, यहाँ इस समय प्रत्याशी मनीष जायसवाल साख तो उनके दांव पर है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश गौरव मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उनका जीतने का मतलब ये नहीं कि वो लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, उनका जीतने का मतलब ये है कि वो भाजपा में चले गए हैं, तो क्या साख दाव पर तो उनकी भी लगी है? हाँ नहीं, निश्चित तौर पे साख उनकी दाव पर लगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के आरपीएन सिंह जी और भी ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि शुरू से ही वो विधानसभा के वास्तविक जो मूल मुद्दे हैं, मूल विषयों पर उन्होंने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के उस काम को यह और गति प्रदान करेंगे और निश्चित तौर पे यहाँ की जनता उनको उनके सिर हाथों पर ले रही है, अपने हाथों पर उठा रही है, उनको अपने पलकों पर बैठा रही है और उनसे अपेक्षा भी है और हमें जहाँ तक उम्मीद है तो आरपीएन सिंह की उन सभी अपेक्षाओं पर खरे भी उतर। रितेश आपको क्या लग रहा है, छठे चरण में मतदान होना है कुशीनगर में, कल 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, क्या लग रहा है आम जनता का मूड किस तरफ है? आम जनता ने पूरा मूड बदल लिया है क्या इस बार? जी देखिए, अभी गौरव जी ने एक बात कही कि आरपीएन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में आने से आरपीएन सिंह का कद काफी बढ़ गया है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आरपीएन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में आने से आरपीएन सिंह का कद नहीं बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी का कद जरूर बढ़ गया है, क्योंकि जो कद आरपीएन सिंह का कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था, आपको जान करके हैरानी होगी कि कांग्रेस पार्टी का जिला कार्यालय तक आरपीएन सिंह के राज दरबार से चला करता था, कोई अलग से उसके कार्यालय का निर्माण आज तक नहीं हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आरपीएन सिंह को किसी भी तरह की मीटिंग के लिए, किसी भी तरह के कार्यकर्ताओं की सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाना पड़ता है, तो आरपीएन सिंह का कद तो नहीं कहेंगे कि बढ़ा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती जरूर मिली है। जहां तक परजौना विधानसभा के चुनाव की बात है जो कल होना है, तो मुझे जहां तक लगता है, मैं जैसे इस समीकरणों को देख रहा हूं, तो यहां से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल रही है मनीष जी, टक्कर किसके बीच? टक्कर किसके बीच, बसपा या सपा? देखिए यहाँ से अंशुमान बंका चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, पहले भारतीय जनता पार्टी भी टक्कर दे सकते हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हुआ करते थे और सामाजिक तौर पे उन्होंने अच्छा कार्य किया है इस परजौना के लोगों के लिए, पूरे जिले के लोगों के लिए। टिकट की अपेक्षा थी उनकी, टिकट नहीं प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने निर्दल जो है ताल ठोक दिया है। ठीक है, आपका रुख करूंगी, दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, परजौना पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, परजौना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी परजौना से हमारे साथ जुड़े हैं, कुशीनगर से जुड़े हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो ऐसे बड़े चेहरे थे जिन्होंने अपना पाला बदल लिया है और शायद उन्हें हार का डर था, इसी वजह से सीट भी बदल ली और पार्टी भी बदल ली। आम जनता किस तरह देख रही है इस दल बदल की राजनीति को?
जी बिल्कुल, ये दो बड़े चेहरे थे, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। आम जनता बिल्कुल इनके जो दल बदल की व्यवस्था है उसमें कुछ जो दलगत जुड़े हुए हैं, इनकी भावनाएं हैं, वो तो सहमत हैं कि इन लोगों ने दल बदल के अच्छा किया, लेकिन जो आम जनता है जिनका बहुत राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो आम वोटर हैं, उनके जहन में ये बात बिल्कुल घर कर गई है कि ये लोग सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए दल बदल रहे हैं, जिसका इस विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के चुनाव पे बहुत कोई खासा असर पड़ने वाला नहीं है। आम जनता का मूड क्या है, क्योंकि आप आम जनता ही हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या बदलाव इस बार होना चाहिए जो नहीं हुआ इन 5 सालों में? कितना विकास हुआ है पडरौना का, जिसकी उम्मीद थी कि 2017 में हम सरकार बदलेंगे तो हमें ये चीजें मिलेंगी, वो चीजें मिली? जी बिल्कुल, लोगों को आशा और विश्वास थी, और उसी आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 5 सालों में ये लोगों को लगा था कि महंगाई, बेरोजगारी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे जो वंचित हैं वो मिलेगा उनको, लेकिन काफी इन सारी चीजों में बदलाव नहीं हुआ। आज भी लगभग एक तरह से इस विधानसभा में देखा जाए तो वही स्थिति बनी हुई है। पडरौना, ये कुशीनगर जनपद जो है, ये चीनी का कटोरा कहा जाता था। आज भी 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर चीनी मिलों को चलवा देंगे, लेकिन आज तक दूसरी कार्यकाल की उनकी केंद्र की सरकार है, वो चीनी मिल बंद है, जिससे पडरौना विधानसभा के लगभग 3 लाख से अधिक किसानों का जो गन्ना है वो औने पौने दामों पे बेचना पड़ता है, जो उनकी कमाई का मुख्य जरिया था, जिससे किसान काफी बदहाल और परेशान दिखते हैं। ठीक है दीपक, इसके अलावा देखिए छठे चरण में जो भी चुनाव प्रचार हो रहा है, जो जनसभाएं हो रही हैं, उसमें छुट्टा जानवर का सबसे ज्यादा जो बात है वो की जा रही है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुशीनगर में छुट्टा जानवर को लेकर समस्याएं किसानों के बीच? जी, कहीं ना कहीं यहाँ भी ये समस्याएं देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो छुट्टा जानवर है ये किसानों की फसलों को प्रभावित करते हैं, जिससे उनको काफी नुकसान होता है। हालांकि सरकार ने इसके लिए वो गौशालाओं का निर्माण तो किया, लेकिन वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है उनके रहने का, वहाँ तमाम पशु मरते रहे, इसलिए वो लोग गौशाले में न भेज के ऐसे छोड़ देते हैं जानवरों को, जो रोड पे तमाम तरह के उससे एक्सीडेंट भी होते हैं, किसानों की फसलें भी नुकसान होती हैं, तो ये मुद्दा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो हम 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे, पडरौना की जनता पर इसका कितना असर पड़ता है? दीपक, जी बिल्कुल, किसान कहीं ना कहीं उनकी बातों से सहमत है, क्योंकि किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही हैं, तो किसान एक बार उनकी बातों पे ये भरोसा कर सकता है। मतलब किसानों का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है? जी, पूर्ण रूप से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आम जनमानस और किसान गरीब वर्ग है वो एक बार फिर से सपा की तरफ रुख कर रहा है और अखिलेश यादव की बातों पे विश्वास रख रहा है। और सवर्ण किस तरफ जा रहा है दीपक? सवर्णों में तो पूर्ववर्ती सरकार को लेके काफी नाराजगी थी, जिसमें से सवर्ण में खास करके जो ब्राह्मण बिरादरी है, ब्राह्मण जो है वो अभी अपना रुख बहुत साफ नहीं कर पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी है सरकार से, और वो नाराजगी हमको लग रहा है कहीं इस चुनाव में देखने को ना मिल जाए। रितेश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, ब्राह्मण है। रितेश, क्या सही कह रहे हैं दीपक, अगर आवाज आ रही है इनकी तो? रितेश अनम्यूट करिए पहले, रितेश अनम्यूट करिए पहले। हेलो, ठीक है बोलिए। अब जी, ब्राह्मण बिरादरी को पहले से ही राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में देखा जाते रहा है, और होता क्या है कि ब्राह्मण बिरादरी सरकार से कितना भी नाखुश रहती है, कुछ मुद्दों को लेकर के विरोध करती है, और किसी मुद्दे को लेकर के सरकार का विरोध करना। रितेश, अब आपने अनम्यूट किया तो आपने फ्रेम खराब कर लिया है, थोड़ा फ्रेम में आ जाइए पहले। हाँ ठीक है, अब बोलिए रितेश। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है जी। चूंकि ब्राह्मण बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से जोड़ करके देखा जाता है, और ये एक ऐसी बिरादरी है कि जहाँ पे कोई अगर गलत रहता है तो
उस गलत का विरोध करने में भी हिचकिचाती नहीं है, और सरकार अगर कहीं पे गलत रही है तो ब्राह्मण बिरादरी ने विरोध किया है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि ब्राह्मण बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा रही है या नहीं जा सकती है। रितेश, लेकिन हवा तो ये है कि इन 5 सालों में ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार हुआ है, और जो योगी आदित्यनाथ हैं वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो क्षत्रिय समाज का ज्यादा विकास हो रहा है, ऐसे आरोप लगते रहे हैं, हवा भी ऐसी है। इस तरह के आरोप बेहद ही बेबुनियाद है। मैं इन सब आरोपों को जो है सही नहीं मानता हूं, और तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर ब्राह्मण बिरादरी के साथ या फिर किसी भी समुदाय के साथ अगर कुछ गलत हुआ है प्रदेश में, तो तत्काल में ही ब्राह्मण बिरादरी ने उसका विरोध किया है, लेकिन उस विरोध तो पडरौना का ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है, 5 सालों से खुश है या परिवर्तन की राह? पडरौना का समीकरण देखिए, पडरौना का समीकरण जो है वहां से काफी वर्षों के बाद एक बड़े पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को अपना टिकट दिया है। बसपा से यहाँ पवन उपाध्याय चुनाव लड़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी से, तो जिसका प्रभाव कुछ पड़ सकता है इस विधानसभा पे। कुछ ब्राह्मण बिरादरी पवन बसपा से पहले, बसपा से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से जीते हुए हैं। रितेश जी, जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे तब जीते, फिर उसके बाद बीजेपी में आ गए और अब सपा में आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिस वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से जीते थे जी, उस वक्त में सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से कुछ ब्राह्मण बिरादरी के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किए थे, बसपा का समर्थन किए थे। दोबारा से वो सारा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ तब्दील हो गया, और दोबारा से यहाँ से चूंकि ब्राह्मण कैंडिडेट है बसपा के, तो कुछ ब्राह्मण बिरादरी के लोग कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण चेहरा देखते हुए उनकी तरफ जा सकते हैं, बसपा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वोट जो रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा। मतलब 60-40 हो सकता है कि 60% भाजपा के उसमें और 40% सपा के उसमें, बसपा के, ऐसे समझ ले हम। जी बिल्कुल ठीक है रितेश। दीपक, आप बताइए कि पडरौना का जो जनाधार है, जो जातीय समीकरण है, वो क्या कहता है? सबसे ज्यादा कौन से समाज के लोग पडरौना में है? पडरौना का देखा जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो पिछड़ी और दलित जाति का वोट है। तो दलित जाति का और पिछड़ी जाति का वोट है, तो फिर हम समझ लें कि सपा की तरफ रुख कर रहे हैं सभी, तो फिर रितेश जी फिर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 60% लग रहा है और ब्राह्मण है। जी जी बिल्कुल, इस बार जो पिछड़ी और दलित जातियों का जो समीकरण है, जो गठजोड़ उनका चल रहा है, वो कहीं ना कहीं वोट जो है वो सपा के तरफ जो है वो आकर्षित हो रहा है। आप सपा पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पक्का देख लीजिए, दोबारा से सोच लीजिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, नहीं, 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 लेना देना है। हमारा कहीं किसी कोई पार्टी से लेना देना नहीं। चलिए, एक सामाजिक व्यक्ति का किसी एक पार्टी से लगाव हो सकता है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। आम जनता का ही रुख है, आम जनता का रुख ही समझू ना मैं इसे, आप दोनों का? नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कल पहले मतदान, उसके बाद फिर कोई काम, जलपान भी नहीं है अब उसके बाद फिर कोई काम, मोदी जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम आपके चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश के लोगों से निवेदन करेंगे कि चाहे जिस पार्टी को मतदान करें तो समझ करके मतदान अवश्य करें, और अपने मोहल्ले पड़ोस में भी कह दीजिएगा कि सुबह सुबह जाइए मतदान करिए, ठंड ठंड में जाइए, उसके बाद फिर अब गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी लगेगी, फिर मन नहीं करता है मतदान करने का, तो आपका अधिकार है और एक एक वोट कीमती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी तरह से पडरौना को समझाने के लिए। तो कुशीनगर की विधानसभा सीट पडरौना, जहां पर हालात अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां पर बीजेपी की भी सरकार बनती हुई नजर आ रही है और सपा की भी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कुछ अगर हम पिछड़ा वर्ग की बात करें या दलित वोटरों की बात करें तो वो सपा के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण जो सवर्ण हैं वो बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कौन सी पार्टी, क्योंकि बसपा से यहाँ पर एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतरा हुआ है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी को ही वोट जाएगा, वोट बसपा को भी जा सकता है। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। पडरौना विधानसभा सीट पर कल मतदान होना है, कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, तो ऐसे में छठे चरण को लेकर जो भी समीकरण सामने आएंगे वो 6 बजे तक क्लियर हो जाएंगे कि आखिर यहाँ पर
किसका दमखम ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। आज फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे एक अलग विधानसभा के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।